अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जनाब। आज मैं आई हूँ शॉपिंग करने और बड़े अरसे बाद मैं निकली हूँ क्योंकि इन दिनों काफ़ी मैं बिज़ी थी बेकरी पे। ज़ाहिर काम कुछ हम नई चीज़ें जो है ना वो इंट्रोडक्शन उसका करवा रहे थे चीज़ों का कुछ, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, नहीं निकल सकी। शॉपिंग वैसे तो हो ही रही थी मगर जो एक होती है ना घरेलू शॉपिंग भैया, वो नहीं हो पा रही थी। खैर जनाब, आज मैं आई हूँ मेट्रो और मेट्रो से मुझे लेना है तवा। जी हाँ, तवा नहीं, सॉरी, बेसिकली मुझे लेना है पिज़्ज़ा बेकर। और यहाँ पे जो है वो अनगिबोट में आया हुआ, वैसे तो ऑनलाइन भी हम ले सकते हैं और ऑनलाइन जो है वो सस्ता मिल जाता है, मगर यहाँ पे ये होता है कि कम से कम आपको गारंटी वगैरह मिल जाती है। अगर आपको वापस करना हो तो आपके पास जो है पेपर्स होते हैं कि आप वापस कर सकें। तो अब ये देखना है कि आया कहाँ पर है और कैसा है, ये सब मैं देखने आई थी। अगर मुझे अच्छा लगा तो शायद मैं ले भी लूँ। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना क्योंकि समर आने वाला है तो ग्रिल की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा, जो मैं ओवन की बात कर रही हूँ वो है जनाब ये टैटनेट। ये देखिए जनाब, ये है वो ओवन और ये यहाँ पर आया हुआ है 74 का। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये ऑनलाइन भी आपको सस्ता मिल सकता है, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मैं जो है वो सिर्फ गारंटी की वजह से जो है ना यहाँ से ले रही हूँ। और क्या किया जाए, लिया जाए कि नहीं लिया जाए, हाँ चलो लेके देखते हैं। एक दफ़ा इस पर बना के देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की यहाँ पर जो है वो, ये वो है, देखते हैं जनाब। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है, देखें जी। इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगी किस तरह से इसमें, अब ये इसमें पूरी ऊपर जो देखें आप, ये ऊपर जो पूरी रॉड लगी हुई है यहाँ पे, और इस रॉड को जब हम बंद करेंगे तो ये ऐसी हो जाएगा, आप देखें जनाब। हाँ जी, तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब मुझे इसके एक दो चीज़ें और देखनी हैं, वो देख लूँ मैं। यहाँ ये देखिए जनाब, कैटल्स कितनी अच्छी आई हैं, माय गॉड। मुझे ये जो है ना बड़ी अच्छी लगती इस तरह की, मगर अब ज़ाहिर है क्योंकि घर में मौजूद है तो अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है। मगर मेट्रो में चीज़ें इस वजह से थोड़ी सी महंगी होती हैं कि यहाँ पे जो है, देखें एक ये भी ओवन आया हुआ है, मगर ये देखें, ये भी बड़ा अच्छा तवा है, मगर ये जो है अभी 159 का जो है वो आपको मिलेगा टैक्स के बग़ैर और 190 का मिलेगा टैक्स के साथ। तो ये देख लेते हैं कि ये क्या सीन है। ये देखिए जनाब, ये भी आपको एक तो पिज़्ज़ा बेकर है और साथ में इसमें आप रोटी तंदूर की जो भी बनाना हो आप वो बना सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था तो मैंने कहा चलो पहले वो ट्राई करके देखते हैं, और अगर कुछ नहीं मिला तो भाई 70 यूरो का तो अपना भी देसी तंदूर जो है वो मिल रहा होता है, वो भी आदमी ले सकता है। तो अभी फ़िलहाल ये ट्राई करके देखते हैं। अगर आप देखें तो जूसर भी बड़े अच्छी रेंज में आए हुए, तो ये 105 यूरो का, यानी टैक्स के साथ जो है ये है। और मैं देख रही थी ऐसी कि किस तरह के जूसर जो हैं वो ये हैं मौजूद। बाकी यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे ज़्यादातर वो सामान होता है जो कि आप गैस्ट्रोनॉमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए, तो हर चीज़ यहाँ पे उसी हिसाब से होती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, ये है राइस कुकर और इसमें आप राइस बहुत अच्छे बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट किलो के हैं, जैसे अब मिसाल के तौर पे ये जो है ये 99 यानी 118 का मिलेगा, ये नहीं सॉरी, यहाँ पर जो इसकी प्राइस लिखी हुई वो लिखी हुई है 173 यूरो का जो है वो ये राइस कॉकर है। साथ में ये है, ये है सूप मेकर। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि मैंने ये जो अपनी डिशे हैं वो कहाँ से ली हैं, तो मैंने जी मेट्रो से ही ली हैं। ये देख लीजिए, यही डिशे होती हैं जो कि मेरे घर में मौजूद हैं, जो मैंने बड़ी दो ली थी, तो ये जनाब कुछ इस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। और बाकी ये चीज़ें हैं। चलें जी, अब मैं आपको, अच्छा जब बर्तनों के पोर्शन में आओ ना तो बस दिल नहीं चाहता कि आदमी कहीं जाए, बस ये होता है कि अपना घूमता रहे। खैर चलें, अब मैं चलती हूँ दूसरी तरफ, वहाँ पर जहाँ से हमें इसको कासे करवाना है। यहाँ से ना मुझे लेना था, यहाँ मैंगो कौन सा रखे हैं भाई, ये देखे जाए। ओके जी, नहीं ये वो वाले अपने वाले मैंगो नहीं है भाई, पाकिस्तानी मैंगो नहीं है ये, बेसिकली यही के यूरोप वोरप के ही मैंगो हैं।
अच्छा मुझे यहाँ से जो है ना वो लहसुन लेना था, अल्लाह करे कि मिल जाए मुझे लहसुन। तो देखते हैं कि कहाँ है इधर, ये देखते हैं। नहीं जी इधर दूसरी चीज़ें रखी हुई। अच्छा जी यहाँ पे जो है वो आलू वगैरह हैं, इधर है लहसुन, कहाँ है जनाब ये रखे। सही सही सही, ये देखिए जनाब ये छिले छिलाए मिल जाते हैं भाई, बहुत फुर्सत हो जाती है आदमी एक साथ छील के जो है ना इसको अच्छे से रख दे। ये देखिए जनाब, चलें जी सही है। तो यहाँ पे मेरी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी है। वो तो अब ये कि जितना टाइम भी आप रहें आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आती रहती हैं और आप लेते रहते हैं। तो मैंने इस वक्त जो है वो अपनी शॉपिंग को यहीं पे एंड किया है, अब ज़रा गाड़ी की तरफ जाया जाए। चले जी यहाँ पे मैं अपना पिज़्ज़ा बेकर जो है वो घर में लेकर आ चुकी थी और अब मुझे इसको ओपन करना था। इसमें तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि इसमें जनाब आप पैनकेक भी बना सकते हैं, फला चीज़ भी बना सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। खैर पिज़्ज़ा तो इसमें बन ही जाता होगा, मगर मैं इसको लेके क्यों आई इसकी वजह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा ये भी इसमें मौजूद थे जिसकी मदद से आप ब्रेड को ईज़िली उठा के जो है वो इस पर रख सकते हैं। खैर जनाब अब वो वक्त आ चुका था जिस वक्त मुझे इसको ट्राई करना था। मैंने बड़ा ही अच्छा सा आटा गूंद के रखा खमीर के साथ कि इस पर मैं अच्छी सी तंदूरी रोटियां बनाऊंगी। खैर ये मैंने ओपन किया और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था, इसमें मुझे तो लग रहा था कि बहुत अच्छी रोटियां बन जाएंगी। खैर जनाब ये मैंने पेड़े वगैरह बना के रख दिए बहुत इजीली और अब मैं इसको ऑन कर रही थी। अब आप सोचेंगे कि भाई मोना आपको क्या ज़रूरत पेश आई थी जो आप ये वाला तवा लेकर आई हैं, वरना तो और भी बहुत से जो तंदूर वगैरह हैं मिलते हैं पाकिस्तानी शॉप्स पर मिलते हैं, वो क्यों नहीं आपने यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी एक अरबी खातून की और वो जो है इसी तवे में हमारी जो तंदूरी रोटी है वो बना रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि जो मेरी फ्रेंड है सारा उसके पास भी कुछ इसी तरह का एक तंदूर है जिसपे ऊपर रॉड लगी हुई है और वो जब इसमें रोटी रखते हैं तो जनाब उसकी मदद से बड़ी शानदार रोटियां बन जाती हैं। और वो मैंने अपनी व्लॉग में भी शामिल करी थी सारा का वो जो तंदूर था आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद हो मेरी एक वीडियो में वो मौजूद था। खैर जनाब ये मेरी तीसरी रोटी बना रही थी मैं, इसमें पहली रोटी बनाई मैंने कहा चलो भाई अब दूसरी रोटी बना के देख लेते हैं, पहली तो अच्छी नहीं बनी है दूसरी शायद अच्छी बन जाए। और उसके बाद करते करते मैंने कम अज़ कम चार रोटियाँ बनाई और मेरी रोटी जो है वो कुछ इस तरह की बनी। तो जनाब ये ओवन जो है ये हुआ फ्लॉप। हाँ जी गाइस, तो आपने जैसा कि देखा कि मैं इतना ज़बरदस्त एक पिज़्ज़ा ओवन लेकर आई थी, पिज़्ज़ा बेकर जिसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद ओ माय गॉड मेरे पीछे यहाँ देखें, ये देखें ये सामान भी रखा हुआ है, मगर आपने इसको फुल इग्नोर कर देना है क्योंकि बेसिकली मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और अभी मैंने इसको अंदर सेट नहीं किया, यहीं रखी हुई है ये। तो खैर बहरहाल वो हम रख देंगे, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जनाब ये बिल्कुल फेल हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मतलब आपने देखा कि किस तरह से इसमें रोटी बनी है और क्या कुछ हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि हमें जो अपना देसी जो वो था तंदूर वो लेकर आना पड़ेगा क्योंकि इससे तो काम नहीं चला। इसमें तो आपने देखा कितनी खूबसूरत रोटियां बनी, हालांकि मैंने इतने प्यार से खमीर करके जो आटा बनाया था इसी वजह से कि अच्छी रोटियां बनेंगी, मगर उसका सीन कुछ उल्टा ही हो गया, यानी प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ जी तो चलें जी यहाँ पर करते हैं व्लॉग का इख्तिताम। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।